एंड वेलकम बैक टू हमारी व्लॉग्स। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करते हैं आप लोग सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और अपने घरों पे सेफ होंगे। तो क्या चल रहा है भाई आप लोगों की लाइफ में? इधर तो हम आज बहुत ज़बरदस्ती आपके लिए वीडियो लेकर आए हैं और अभी बिल्कुल सुबह सुबह का टाइम है, 10 बज रहे हैं और आज की वीडियो होने वाली बहुत असम वाली, आपको बहुत मज़े आने वाले हैं क्योंकि आज हम करने वाले हैं पिंक फूड चैलेंज फॉर 24 आवर्स। मतलब हम आज पूरे दिन 24 घंटे हम सिर्फ पिंक फूड खाएंगे, मतलब पिंकी हो जाएंगे, पिंक कलर का ही होगा। और मुझे बहुत भूख लग रही है अभी भी उठी। सूजे मुंह को बिल्कुल इग्नोर करेगा। बिल्कुल अभी ऐसा ना गोलगप्पा बना हुआ है तो उस चीज को बिल्कुल इग्नोर करेगा। बालों को भी बोल देगा हमने देखा ही नहीं है, खराब हो रहे। तो अभी हम जा रहे हैं अपना ब्रेकफास्ट बनाने। हाँ, तो देखिए क्या बनाते हैं, पिंक क्या बनाते हैं। इसकी ना सबसे बुरी बात ये इस चैलेंज की कि हम लोग चाय नहीं पी सकते हैं और मैं बहुत डाउन हो रही हूँ, मुझे बहुत भूख लग रही है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपना ब्रेकफास्ट और बनाना स्टार्ट करते हैं और दिखाते हैं कि हम पिंक क्या लेकर आए हैं। तो चले बनाते हैं। तो यहाँ हम बना रहे हैं स्ट्रॉबेरी बनाना मिल्क शेक और बनाना भी हमारे पास फ्रोज़न रखे हुए थे, स्ट्रॉबेरीज भी फ्रोज़न थी, तो मैंने सोचा इसी के साथ मिल्क शेक बना लिया जाए सुबह नाश्ते में, क्योंकि चाय तो पी नहीं सकते थे और कुछ ना कुछ पीने की तो आदत है, नाश्ते के साथ कुछ ना कुछ चाहिए होता है लिक्विड, क्योंकि सालों से इसी तरह से हम लोग नाश्ता कर रहे हैं। और इसके अंदर मैं ज़्यादा कुछ नहीं करूँगी, बस फ्रोज़न बनाना ऐड कर दूँगी और स्ट्रॉबेरीज ऐड कर दूँगी, दूध ऐड किया है, थोड़ी सी शुगर ऐड करूँगी अपने टेस्ट के मुताबिक और बस इसको हम ब्लेंड कर लेंगे। अच्छा, इसके अंदर हमने बर्फ़ नहीं ऐड करी क्योंकि दोनों चीज़ें फ्रोज़न थी तो वो ऐड करने की ज़रूरत ही नहीं पेश आई है। और बनाना अगर हमारे घर में ज़्यादा आ जाते हैं उसको हम फ्रोज़ कर देते हैं, मतलब फ्रीज़ कर देते हैं और तो फिर हम उसके शेक्स वगैरह बना के इंजॉय कर लेते हैं। तो बस यहाँ पर बनाना मिल्क शेक बन रहा है और फिर उसके बाद ज़ोया ने चुकंदर को छील लिया था। चुकंदर इसलिए क्योंकि हमें ऑमलेट बनाना था और हम मीठा मीठा नहीं खा सकते हैं, कुछ और नमकीन भी चाहिए होता है। ऑमलेट बनाना था तो इसके लिए कलर उसका बनाने के लिए तो हमें चुकंदर लेना पड़ा। हाँ, चुकंदर उसके अंदर ऐड करना पड़ा। तो हमने यही सोचा था हम जो भी चीज़ बनाएंगे तो उसके अंदर हमने कोई आर्टिफिशियल कलर नहीं ऐड करना है, हम कोई भी खाने की चीज़ ही ऐड करेंगे, नेचुरल कलर ही ऐड करेंगे। तो चुकंदर अभी सीज़न में ही आए हुए हैं तो हमने यही मंगवा लिया था। तो बहुत थोड़ा सा ऐड किया, इसमें बहुत ज़्यादा टेस्ट भी नहीं आया था ऑमलेट के अंदर, लेकिन ऑमलेट अच्छा बन गया था। और इधर एक ही अंडे का ऑमलेट बनाया है, इसलिए बनाया है एक अंडे का ऑमलेट क्योंकि मिल्क शेक वैसे ही बहुत ज़्यादा हैवी होता है, वो खाया भी नहीं जाता। और इसके अंदर हमने सिर्फ ब्लैक पेपर और सॉल्ट ऐड किया था, थोड़ी सी कुटी हुई मिर्चें भी मैं ऐड करूँगी क्योंकि हम लोग थोड़ा सा स्पाइसी खाते हैं और हरी मिर्चें प्याज वगैरह हमने ऐड नहीं करी क्योंकि फिर उससे कलर दूसरा आता है, इस वजह से थोड़ा सा दूध भी ऐड कर दिया है इसके अंदर क्योंकि काफ़ी ना हमें आइडिया नहीं था कि वो ज़्यादा हो जाएगा चुकंदर और बहुत ज़्यादा पिंक कलर आ जाएगा, तो फिर मरून सा लगने लगा था। हाँ, इस वजह से हमने थोड़ा सा दूध ऐड कर दिया ताकि वो पिंक वाली टोन आ जाए इसके अंदर। तो हमने पूरी कोशिश करी है आज के दिन के हम पिंक ही खाएँ सारा टाइम और देखें बस ये ऑमलेट हमारा बन रहा है। कलर देखिए माशाल्लाह से इतना हसीन लग रहा था ना, मतलब पहली बार इतना प्यारा ऑमलेट लग रहा था क्योंकि हमें खुद भी नहीं आइडिया था, बस ये चीज़ हमने सोची हुई थी कि हम इसको इस तरह करके बना लेंगे और ये इतना मज़ेदार सा प्यारा सा कलर बन के तैयार हुआ था। तो बस ये तैयार हो गया था, मिल्क शेक भी हमारा रेडी हो गया था। पहले मिल्क शेक रेडी कर दिया था क्योंकि बहुत ठंडा हो गया था वो और बहुत ज़्यादा हमें इतना ज़्यादा ठंडा पीना नहीं था सुबह सुबह में ना, क्योंकि सर्दियों के भी दिन हैं तो ये पहले से रेडी करके रखा हुआ था मैंने। तो बस ऑमलेट के साथ हमने इसी को एंजॉय किया था। तो आगे जी हमारा नाश्ता गर्मा गर्म सा ऑमलेट बना तैयार हो गया, ऑमलेट बन गया है और मिल्क शेक बन गया है और बहुत मज़े का लग रहा है। उसके अलावा मैं आपको एक बात बताना भूल गई थी कि इसमें हम आर्टिफिशियल कलर्स यूज़ नहीं कर सकते। हाँ, इसलिए हमने आज जोए की जबान चल रही है, इसलिए हमने चुकंदर यूज़ किया। तो हम लोगों ने कहा कि सबसे अच्छा सब्सिट्यूट यही हो सकता है कलर यूज़ करने के लिए। तो इसलिए हमने चुकंदर ही यूज़ किया है और उसी को अंडे में ऐड किया है, देखते हैं उसका टेस्ट कैसा आएगा। खुशबू अच्छी आ रही थी, बहुत अच्छी आ रही है और अच्छा ही बना होगा, बहुत मज़े का वो तो होता ही मज़े का, स्ट्रॉबेरी वाला तो होता ही मज़े का। अब हम स्टार्ट करते हैं पिंक वाला हमारा ऑमलेट। पहले हम ये चखेंगे फिर उसके बाद हम अपना। अच्छा, हमने एक ऑमलेट ना एक अंडे का ऑमलेट यूँ बनाया क्योंकि मिल्क शेक काफ़ी हैवी होता है। हाँ, वो खाया नहीं जाता और बहुत ज़्यादा क्योंकि हम नया फ्लेवर ट्राई कर रहे हैं तो हमने बोला वेस्ट ना हो कोई भी चीज़, तो इतना ही बनाए कि वो खा लिया जाए।
अच्छा है, बुरा नहीं है. नॉट बैड. लेकिन एज यूजुअल चुकंदर है तो जरा सा स्लाइटली सा मीठा मीठा सा है, लेकिन खाया जा सकता है, बियरेबल है. मुझे नहीं लग रहा मीठा. सही है, मुझे लगा मीठा. मेरे ना टेस्ट बर्ड से स्ट्रांग है अभी. हम भी स्ट्रांग है. मैं जज कर लेती हूँ. हमेशा फजूल बात. यार मैं फजूल बात नहीं करती. हम अपना मिल्कशेक पियेंगे, हम अपना ब्रेकफास्ट करते हैं फिनिश. और फिर आते हैं कुछ खाने पीने की चीज़ के साथ. हाँ तो हम अपना ब्रेकफास्ट हाँ फिनिश करते हैं और खाने पीने की कुछ पिंक पिंक सी चीज़ें लेकर आते हैं और आपको दिखाते हैं कि हम नेक्स्ट क्या खाने वाले हैं और क्या पिंक बनाने वाले हैं. तो साथ रहिएगा और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा. तो अभी हो गया है दोपहर का टाइम और हमें काफ़ी ज़्यादा भूख लग रही है और अभी तक थोड़ी सी हम ना सुस्ती वाली आ रही होगी. आप लोग देख रहे होंगे कि आप लोगों को लग रहा होगा हमारी एनर्जी लो है क्योंकि हम लोगों ने सुबह से चाय पी ली है और इंशाल्लाह शाम तक कुछ ना कुछ हम करेंगे, इंतजाम करेंगे. और हाँ अभी मैं कर रही थी एडिटिंग और अब ये साथ बैठी हुई होती हैं, जब भी मैं एडिटिंग करती हूँ हम दोनों साथ बैठ के करते हैं, दोनों जल्दी जल्दी काम निपटाते हैं. और अभी जाना है खाना बनाने के लिए, वरना तो ये होता है ना कि अम्मी बना के दोपहर में वो कर सर्व कर देती है, अभी हमें खुद बनाना पड़ेगा क्योंकि पिंक पिंक बनाना है ना, कुछ पिंक पिंक सा. और अभी जो मैं एडिटिंग कर रही हूँ ना, मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं क्या वो भी और कुछ पिंक सा ही पिंक है और इतना प्यारा इतना खूबसूरत माशाल्लाह से. जब तक ये वीडियो आएगी ना तो वो अपलोड हो चुका होगा, तो वो भी ज़रूर देखिएगा. दिखाते हैं आपको, दिखाते हैं. तो ये देखिए जी हमारा बहुत ही खूबसूरत माशाल्लाह से डिज़र्ट, क्या कहते हैं ये रेडी हुआ था और इसको स्ट्रॉबेरी डिज़र्ट है ये रेडी हुआ था और अब ये अपलोड करने लगी हैं. और इसके अलावा जब ये बना था ना, ओ हो इतनी जल्दी ये ख़त्म हुआ, इतने मज़े का, इतना यमी के बस. तो इसको हम अपलोड करने लगे हैं और फिर इसके बाद फिर हम चलते हैं कहाँ, खाना बनाने के लिए भाई. किचन में जाएंगे. किचन बना किचन बनाने नहीं, किचन में जाएंगे खाना बनाने के लिए. तो मिलते हैं आपसे किचन में. और जी दोपहर के खाने के लिए हम लोगों ने सोचा हम बनाएंगे पिंक कलर की दही फुलकियाँ. और उसके लिए मैंने जोया से कहा कि काम करो चुकंदर को ब्लेंड कर दो क्योंकि मुझे उसका जूस चाहिए है और चुकंदर नहीं ऐड करूँगी, जस्ट मुझे कलर ही ऐड करना है. तो इसके अंदर मैंने ये देखें जोया ने इसको पीस लिया है और सबसे पहले हमने ये जूस निकाल के रख दिया था ताकि एक हमें अच्छा सा कलर मिल जाए, क्योंकि ताकि हम जो भी चीज़ बनाए उसके अंदर हम ये ऐड कर सकें. ताके ताके बहुत हो गया ना. हाँ तो ये जूस बन गया था और उसके अलावा ये पकोड़ों का मिक्सचर पिया ने तैयार करके रख लिया था. और जैसे दही फुलकियाँ बनती हैं ना, पकोड़े बनते हैं, वैसे ही अपिया बना रही थी. बस उसके अंदर हमारा पिंक वाला कलर ज़रूर आएगा. हाँ तो बस थोड़ा सा चुकंदर का जूस ऐड किया था, अच्छे से टेस्ट बहुत मज़ेदार आया था, वो ऐड कर दिया. प्याज हरी मिर्ची जो रेगुलर वाले हमारे पकोड़े बनते हैं उसी तरह से बस मैंने इसको बनाया है और थोड़ा सा पानी ऐड किया है इसके साथ. तो ये मिक्सचर जो है हमारा पकोड़ों का रेडी हो गया, ये रेडी करके रख दिया था. फिर हमें रोटी भी खानी थी तो मैंने सोचा रोटी की भी मैं इसी से बना लेती हूँ. तो थोड़े से पानी के अंदर मैंने ये थोड़ा सा जूस ऐड कर दिया तो इससे मैं पूरा आटा गूंथूंगी और ये इतना प्यारा कलर बन के तैयार हुआ था कि बस मुझे खुद ही यकीन आ रहा था, इतना अच्छा प्यारा सूट वाला ना तैयार हुआ था. बेबी वाली फीलिंग आ रही थी, पिंक 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 हर चीज़. और उसके बाद ये दही है तो मैंने सोचा पकोड़े बनाने से पहले दही फेंट लेते हैं. तो दही के अंदर मैंने सिर्फ नमक ऐड किया है और लहसुन की चटनी ऐड की है और इसको मैं फेंट लूँगी और इसके अंदर वही जो पानी जो था मेरे पास वही मैंने ऐड कर दिया, मतलब वो जूस वाला जो पानी था वो थोड़ा सा ऐड कर दिया है. थोड़ा सा और मैं जूस ऐड करूँगी क्योंकि इसका कलर मुझे थोड़ा सा डार्क करना था, इस वजह से वो ऐड किया. तो ये देखें कितना प्यारा सा कलर बन के तैयार हो गया है. और इधर मैं पकोड़े बना लूँगी. तो ये पकोड़े पहले मैंने सोचा था सिंपल बेसन के बना लेते हैं, लेकिन मैंने कहा नहीं उसका येलो कलर नज़र आएगा तो अच्छा नहीं लगेगा. फिर मैंने क्या करा कि इसके अंदर भी ऐड कर दिया था तो ये भी पिंक कलर के बने थे बहुत ही मज़ेदार से. तो अभी ज़रा ये गोल्डन गोल्डन से हो गए लेकिन दही में जाके बिल्कुल सही हो जाएंगे. तो ये देखिए इसको हमने डिप कर दिया दही के अंदर अच्छी तरीके से. और ये दही फुलकियाँ किस किस क्या बनती हैं, पिंक कलर की तो नहीं बनती होंगी, नॉर्मल वाली होंगी. और अब मैं लगाऊंगी इसके ऊपर तड़का. तो तड़के के अंदर थोड़ा सा मैंने ऑयल लिया है तकरीबन 2-3 टेबल स्पून के बराबर. इसमें ज़ीरा ऐड कर देंगे
और ज़ीरे का हमने ऊपर लगा लिया है तड़का। तो ये हमारा लंच जो है वो रेडी हो गया है। अभी रेडी नहीं हुआ है, अभी रोटियां भी बनाऊंगी। आप देखिएगा इतनी प्यारी सी रोटियां बन के तैयार होंगी। और बस इधर मैंने आटे को रेस्ट दे दिया था। ऐसा लग रहा था आप ये प्ले डो से ना खेल रही हैं। हाँ ऐसे ही लग रहा था। तो बस इसकी मैंने रोटियां बना ली जो कि बहुत प्यारी सी बनी थी। ये देखिए आप, इतनी प्यारा सा कलर लग रहा है। आप लोग भी ट्राई करेगा, फन के लिए तो ट्राई कर सकते हैं। और ये करने में हमें पूरा दिन में बहुत मज़ा आया। सब पिंक पिंक कर रहे थे, घर वाले भी देख के हंस रहे थे हम लोगों को कि क्या कर रहे हो सारे दिन से ना। तो खैर ये हमारा लंच रेडी हो गया है। अच्छा जी, तो हम आ गए हैं अपना बहुत मज़ेदार सा लंच लेकर, और पिंक पिंक सा हमारा फूड कैसा लगा आप लोग बताइएगा। और हमने कपड़े भी चेंज कर लिए, हमने हाँ, मतलब पिंक 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 पहनेगा। पिंक वाला चैलेंज कर रहे हैं, तो कपड़े क्यों ना हो। बस मेरा डार्क है भाई, जो अवेलेबल था ना हमने हाँ। वो पहन लिया। मेरा डार्क पिंक है और मेरा लाइट है। तो स्टार्ट करते हैं, बहुत भूख लग रही है। खाऊं पिंक वाली रोटी। अभी तो इसी लाइट लग रही होगी, बट लाइट की वजह से लाइट लग रही है। और आइसक्रीम वाला आ गया। अरे वाह, हम जब भी वीडियो बनाते हैं ना तो आइसक्रीम वाला आ जाता है, कभी कोई सब्जी वाला आ जाता है, कभी कोई सब्जी वाला आ जाता है। वो इतने अजीब तरीके से बोलता है आलू वाले। अच्छा ये मैंने बनाए हैं दही बड़े, नहीं इनको कहते हैं दही फुलकियाँ, जो कि हम लोग रोटी जोर से खा लेते हैं। जोर से बोल रही हूँ, माइक भी लगा। हम लोग रोटी से भी खा लेते हैं और स्पून से भी खा लेते हैं। नहीं आप लोगों को पता ही तो है, हम लोग पहले भी हम दिखा चुके हैं दही फुल्की, तो हम लोगों ने डिसाइड किया था। और हाँ एक और चीज़ मैं बताऊँ कि और जितने यूट्यूबर्स हैं, हाँ हाँ बात बात करते करते मैं अपनी बात कंप्लीट कर लूँ। और जितने यूट्यूबर्स हैं वो ये करते हैं कि जितने भी यानी चैलेंजेस करते हैं ना, जैसे पिंक फूड चैलेंज या और भी कोई चैलेंज करते हैं, तो वो मीठा मीठा प्रेफर करते हैं। मतलब आई डोंट नो उन्हें ऑप्शन क्यों नहीं मिलता। तो हमने सोचा कि हम पूरे दिन मीठा नहीं खा सकते, वो जाहिर है हमें, हम नमकीन खाने के आदी हैं, हमें हमें हर टाइम सारा दिन हम मतलब मीठा नहीं खा नहीं सकते, खा कैसे सकते। खा सकते तो हमने बोला तो नहीं, हम बिल्कुल अल्टरनेट जो जो भी पॉसिबल हाँ। हो ना हम नमकीन जरूर करेंगे, और रात तक कुछ ना कुछ होगा। और मेरे मुंह में पानी आ रहा है। आपको कलर दिखा दूं, करीब से ही अंदर से भी पिंक है। हाँ इसकी मैं वेट कर रही थी। आई मैं भी दिखाऊँ, दिखाती हूँ करीब से, और करीब से। अंदर से भी पिंक है और इतना मजेदार लग रहा है। अच्छा इसका टेस्ट चेंज नहीं हुआ है वो डालने से, क्या कहते हैं हमने क्या ऐड किया था इसमें, बीट रूट ना, चुकंदर वो ऐड करने से कलर तो सॉरी कलर आ गया, टेस्ट ज़्यादा चेंज नहीं हुआ है। बहुत अगर आप महसूस करें तो आएगा आपको टेस्ट, नहीं तो नहीं आएगा इसका टेस्ट। और मेरे मुँह में पानी आ रहा है और बहुत भूख लग रही है। हाँ क्योंकि काफ़ी लेट हो गया है और वीडियो बनाने में बहुत टाइम लगता है, बहुत टाइम लगता है। जो लोग बनाते हैं ना तो उन्हें आइडिया होगा। तो हम अब खाते हैं अपना खाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खाते हैं, खाना खा के फिर आपसे मिलते हैं, फिनिश करके मिलते हैं आपसे। हाँ जी, तो हम खाना खा चुके हैं और बहुत मज़े का था, बहुत मज़े का बने हुए थे दही बड़े और नहीं दही फुलकियाँ और रोटी। अम्मी को भी जाके अभी ना अम्मी को जाके टेस्ट करवाया, अम्मी को भी बहुत अच्छे लगे। अब वो तो हैरान हो गए, बोल रही कैसे कह रही है क्या कर रहे हो तुम लोग। अब वो इतना हैरान हो गए थे, पिंक कलर की दही बड़ी। उनको भी टेस्ट कराए और उनको भी टेस्ट कराए, उनको भी बहुत अच्छे लगे। बोल रहे थे बड़े अच्छे सॉफ्ट से बने हुए दही फुलकियाँ बनी हुई है। तो खैर हमने खा लिया था और अब मीठा खाने का दिल चाह रहा है। आपको पता है हम थोड़ा थोड़ा मीठा नहीं, जोया ने कहते मीठा तो नहीं है, आप कह लें वो नहीं बच्चों वाली चीज़ें होती हैं। जोया ने कहा निहाल से जाओ जाके पिंक पिंक जो जो मिले ना लेकर आ जाओ, जो भी पिंक में क्या लेकर आया है अपने। मैं दिखाती हूँ, दिखाती हूँ सबर करो, यहाँ लेकर आपको दिखाऊंगी। अभी पहले हम शॉपर दिखाते हैं, हम दिखाते हैं आपको। तो ये है कोकोमो, जिसके अंदर पिंक कलर की क्रीम होगी, क्रीम होगी। और अच्छा मुझे नहीं पता था स्ट्रॉबेरी वाला है, हम तो चॉकलेट वाला ही लेते हाँ, हैं ना, तो हमें हम पता ही नहीं था। निहाल ना सर्च करके लेकर आए चीज़। एक ये वो लाया है नोविता, इसका भी मुझे नहीं पता था ये स्ट्रॉबेरी फ्लेवर होता है, ये भी हम चॉकलेट ही लेते हैं। हाँ असल में जो लेना होता है हम उसी को देखते हैं। और ये जो चेरीज हैं ये थोड़ी मल्टी कलर की है, लेकिन हम इसमें से ना पिंक वाला खा लेंगे क्योंकि आजकल पिंक है। सॉरी जैम हार्ट चाहिए, जैम हार्ट बिस्किट्स।
और वो ये लेकर आया, ये तो नहीं खा सकते, ये तो बिल्कुल ब्राउन कलर की, ये तो चॉकलेट है ब्राउन कलर की, हम बाद में खाएंगे यार, एंजॉय करेंगे, अच्छी लग रही है देखने में। और ये तो प्रिंस का हैगा, बिस्किट है, सही। ये ट्राई किया हुआ है, अच्छा होता है, लेकिन अभी नहीं खा सकते क्योंकि ऊपर से चॉकलेटी है। हाँ। और ये यार देखने में तो कितनी टेम्पटिंग लग रही है, देखिए जरा। और इसके अलावा ये कुछ चेरीज है, ये क्या लाया है ये भी फर्स्ट टाइम आई थिंक ट्राई करेंगे हम, निहाल को ही पता होती है वाली सारी चीज़ें छोटी छोटी सी ना, तो ये है हमारी चिज्जी, अभी नहीं खा लेंगे सारी चीज़ें हम, ये हमें बता रही हूँ अभी नहीं खा रहे, और थोड़ी सी अभी ट्राई करते हैं, देखते हैं क्या ट्राई करते हैं। अच्छा ठीक है, अभी देखते हैं ना, नहीं मैं सोच रही हूँ कोकोमो ट्राई करूँ, चलो देखते हैं क्या खाते हैं। तो अभी हम खाएंगे कोकोमो, कोकोमो का सॉन्ग कैसे आता है कमेंट्स में लिखिएगा जरा क्या कोकोमो का सॉन्ग जो है ना, और ये मार्श मैलो है और ये ऊपर से पिंक है, ये तो ये पिंक कलर की अगर आपको दिख रही हो तो कैसे मजे क्या है यार। ऑब्वियस पिंक में तो सारी स्ट्रॉबेरी होती है। लूंगी मैं पिंक वाला, यहाँ पे एक मक्खी आ रही है, मीठा मीठा रख रहा है ना। अच्छा है, बहुत मजे का यार, मिल्क है, मिल्की सा फ्लेवर है ना, अच्छा लग रहा है। और कौन सी जेली खाओगी? अच्छा ऐसे करके कौन ट्राई करता है ना देखें बिस्किट अलग कर दिया और इस तरह ये पार्टनर अलग कर दिया, ये भी एक टैलेंट है, ये भी एक टैलेंट है, देखिए मैं इस तरह भी ट्राई करती हूँ, और मैं ऐसे करती थी पहले भी कि बिस्किट को आधा भी नहीं करती हूँ और फिर पहले सादा प्लेन फिर मजे मैं खाऊंगी जेली, जेली भी अच्छी है। तो हम बस ये खाते हैं और उसके बाद फिर नेक्स्ट मील पे मिलते हैं भाई, फिर हम क्या बनाने वाले हैं, कुछ अच्छा ही होगा, उसके बाद चुप गया कुछ अच्छा ही होगा, कुछ इंटरेस्टिंग ही होगा, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और आपको आगे भी बहुत मज़े आने वाले हैं। तो वही शाम के 7 बज रहे हैं और हमें ना कुछ छोटा सा कुछ खाने का दिल चाह रहा था, तो हमने मंगा ली कुछ पिंग पिंग कोरिडो मंगा ली हमने, और इसका फ्लेवर है बेरी, फ्लर्टी बेरी अच्छा मैं ये ट्राई नहीं करी, फर्स्ट टाइम ट्राई करने जा रही हूँ, हम लोग चॉकलेट ज़्यादातर खाते हैं, हम आइसक्रीम खाते हैं लेकिन हम जाके खाते हैं कोरिडो, बहुत कम बहुत कम। ये भी हमने पिंक कलर की ही मंगवाई है, जाहिर है हमारा पिंक वाला चैलेंज है, चैलेंज चल रहा है, तो हम पिंक कलर की आइसक्रीम क्यों नहीं खाएंगे। और ये देख लीजिए मजेदार सी हमारी आइसक्रीम, छूट रही थी मेरी तो बहुत ही मजेदार है, खाना स्टार्ट करते हैं, फायदा पे काम कर रही थी तो फिर मैंने फौरन से मंगवा ली आइसक्रीम। टेस्ट अच्छा है यार, फ्लर्टी बेरी जरूर ट्राई करेगा, बहुत अच्छी लग रही है यार। और सर्दियों का मौसम हो और आइसक्रीम ना हो, इम्पॉसिबल सी बात है, ये तो मस्ट है। जब बहुत ज़्यादा कड़क सर्दियाँ होगी ना तो उसमें ज़्यादा मज़ा आता है, कड़क वाली सर्दी मतलब ना दांत, हम खा रहे हो आइसक्रीम और साथ साथ दांत और साथ साथ कप कप आ रही हो ना, तब ज़्यादा मज़ा आता है। खाएंगे मुंह में पानी तो आ रहा है।
थोड़ा सा खा रहा होगा ना, देखिए ट्राई चले कल ही मंगा के खाएगा, मैं बता रही हूँ, या तो आज ही मंगा के खाएगा, कोई सी भी जो आपको पसंद है। और ये आ गया है रात का टाइम, डिनर के लिए मैं बना रही थी व्हाइट सॉस पास्ता, पिंक सॉस पास्ता और उसके लिए बस मैंने बटर और थोड़ा सा ऑयल लिया था और उसके अंदर मैंने थोड़ा सा मैदा ऐड करके इसको मैं भून लूँगी अच्छी तरीके से, जिस तरह से बनता है पिंक सॉस पास्ता, पिंक नहीं व्हाइट सॉस पास्ता, उसी तरह से बनाऊँगी। और ये तीन क्या कहते हैं स्पाइसेस हैं जिसमें जिंजर पाउडर है, गार्लिक पाउडर है, अनियन पाउडर है, तीनों मैं इसके अंदर ऐड करूँगी, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाता है। और इसके अंदर मैंने थोड़ी सी कुटी मिर्चें ऐड कर दी हैं क्योंकि हम लोग थोड़ा सा स्पाइसी खाते हैं, इस वजह से ऐड की हैं, ये चॉइस होती है आपके, ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं तो आप अवॉइड भी कर सकते हैं। इसके अंदर मैंने थोड़ा थोड़ा सा दूध ऐड करके इसको मैं अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी और ये हैप्पी काउ चीज़ का इसके अंदर एक क्यूब जाएगा, इससे बहुत अच्छा रिच फ्लेवर आ जाता है इसका। तो इसको बस हम मिक्स कर रहे हैं अच्छी तरीके से और इसको बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, मुश्किल से 10 से 15 मिनट लगते हैं, 10 मिनट लगते होंगे मुश्किल से, बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाता है। पास्ता जितनी देर में बॉईल होता है इतनी देर में इसका सॉस बन जाता है। तो बस ये देखें इसके अंदर मैंने अनियन पाउडर, ब्लैक पेपर और गार्लिक पाउडर, जिंजर पाउडर, चिकन क्यूब ये ऐड कर दिया है और इसके अंदर हम कोई वेजिटेबल वगैरह तो ऐड नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर आप नॉर्मली घर में बनाएं तो आप इसमें वेजिटेबल्स ऐड कर दीजिएगा जिससे बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है, चिकन भी ऐड कर सकते हैं चाहें तो। तो देखिए बस इसके अंदर मैंने ये क्यूब ऐड कर दिया, थोड़ा थोड़ा करके ही दूध ऐड करना है इसके अंदर, वो मैं थिकनेस की वजह से कर रही थी कि बहुत ज़्यादा थिक हो रहा था, तो मैं थोड़ा थोड़ा करके ही दूध ऐड कर रही थी इसके अंदर। अब ये थोड़ा सा चला जाएगा हमारा की इंग्रेडिएंट तो चुकंदर का जूस इसके अंदर ऐड कर दिया है जिससे इसका कलर बहुत प्यारा हो गया था। ये देखिए इतनी खूबसूरत पास्ता मैंने आज तक नहीं खाई, इतना खूबसूरत कलर बना था ना कि बस। तो पास्ता पहले से बॉईल हुआ रखा था, जोया ने कर दिया था, वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है और ये थोड़ा सा थिक हो गया था तो मैंने इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया था क्योंकि इसको अच्छे से मिक्स करना था और बहुत ज़्यादा थिक हुआ हुआ था पास्ता ना, और ये गरम गरम खाने में ही मज़ा आता है। तो देखिए इसको मैंने प्लेट्स में निकाल लिया था और अब हम इसको खाएंगे जो कि बहुत ही मज़ेदार बना था, हसीन पास्ता कह सकते हैं, हसीन भी था टेस्टी भी था, आप लोग ट्राई ज़रूर कीजिएगा, बहुत सिंपल तरीके से बन जाता है ये। हाजिर हैं हम अपने डिनर के साथ और बहुत ही यम्मी किस्म का डिनर है, आप लोग देख सकते हैं। इसका कलर बहुत अच्छा कलर है। इसमें अभी लाइट दिख रही है ना तो उसके वजह से व्हाइट व्हाइट दिख रहा है, लेकिन बहुत प्यारा अच्छा, कलर मेरे आया ड्रेस है। के साथ मैच कर रहा है, पीच पिंक टाइप बिल्कुल कलर आया है और बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही जबरदस्त। और व्हाइट सॉस पास्ता तो पसंद है ही और हमने इसको कलर कर दिया तो वो अच्छा, वेजीज नहीं ऐड कर सकते थे, वो फिर चमकती इसके अंदर, हाँ चमकती ग्रीन वाली वेजीज हम नहीं डाल सकते, बहुत अच्छी लगती है, ऑसम लगती है व्हाइट सॉस पास्ता के अंदर ना, मुझे बहुत अच्छी लगती है और ग्रीन अनियन अच्छी लगती है। खैर हम इसको स्टार्ट करते हैं, भूख लग रही है, खाना खाना स्टार्ट करते हैं। वाली रात के 10 बज रहे हैं, हाँ रात के 10 बज रहे हैं और ये इतनी टेम्पटिंग लग रही है ना, ओहो बाय द वे बता दूं आप लोगों ये मेरा सीधा हाथ है, फिर कमेंट आता है क्या उल्टे हाथ से खाना खा रहे हैं यार, अभी हमने अच्छा वाला कैमरा नहीं लेंगे, फिर हम ना बैक कैमरे से शूट करेंगे यार, हाँ हम लोग फोन से वीडियोस बनाते हैं, इसलिए आप लोगों का सर जोर से बना रहा आवाज नहीं होगी नहीं मुझे हमेशा डांट पड़ती नमक कम, मैंने गिरा दिया, बच्चों की तरह खाओगी तो गिरेगा इट्स ओके कि मैंने साफ करना है इसलिए इट्स ओके स्पाइसी फूड खाने की
लोगों ने कर लिया अपना डिनर फिनिश और ये पिंक चैलेंज कम और स्पाइसी ज़्यादा लग रहा है क्योंकि मैंने मिर्च थोड़ी ज़्यादा ऐड कर दी है इनसे हो गई नहीं नहीं ज़्यादा ऐड नहीं किए हुआ ये कि हमारी अम्मी ने जो वो पत्ती वाली हरी मिर्चें होती है ना उस ग्रीन वाली हरी मिर्च जो होती है और वो सर्दियों में रेड कलर की हो जाती है अगर बाहर रखी रहे तो वो बास्केट में रखी हुई थी और वो रेड कलर की हो गई तो अम्मी ने सोचा इसको भी पीस के कुटी मिर्च में ऐड कर देते हैं और वो मैंने इसमें ऐड कर दी तो मतलब इतना ज़्यादा स्पाइसी वो नहीं अपने ने सही हाफ टी स्पून डाला था इतना ही ऐड किया था लेकिन उप्स हाफ टी स्पून डाला था और अंदाजा नहीं था कि वो उसकी भी स्पाइस लेवल उसने अपना इंक्रीज कर दिया है बहुत ज़्यादा स्पाइसी हुई हुई है और आई नीड मीठा अर्जेंटली नहीं मुझे नहीं खाना मीठा बस मैं मेरा पेट खैर भर गया है हाँ पेट तो भर गया लेकिन मिर्ची लग रही थी अभी बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा और हमारा बहुत ज़्यादा पानी भी पी लिया है बीच में बहुत ज़्यादा ये हमने दोनों ने ख़त्म कर दी पूरी खाली हो चुकी है ऑलमोस्ट तो बस अभी इससे ज़्यादा नहीं खा सकते तो ये आज का हमारा डिनर और व्लॉग कैसा जा रहा है हमें कमेंट करके साथ साथ बताते रहिएगा जैसे आप लोग हमेशा बताते रहते हैं और बहुत मजा आता है आप लोगों के कमेंट्स पढ़ के आप सबके कमेंट्स ना हमें और ना हमारे अंदर जोश भर दे के हाँ हमने और कुछ नया लेकर आना है और कुछ नया लेकर आना है तो आप लोग कमेंट करते रहा करें और आप लोग के कमेंट्स से ना हमें ना हौसला अफजाई बहुत ज़्यादा मिलती है और आपके लाइक्स बहुत भी मैटर करते हैं कि लाइक्स भी अच्छे से दिल खोल के कर दिया करें जितने कमेंट्स करते ना उतने लाइक्स नहीं होते कमेंट्स नहीं व्यूज़ के हिसाब से लाइक्स होने चाहिए ना जो भी व्यूज़ आ रहे हैं उसके हिसाब से लाइक्स भी होने चाहिए ना अच्छे वाले तो खैर अभी तो हमारा हो गया डिनर डन तो फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में तो यहाँ मैं बना रही हूँ कश्मीरी चाय खाना खाने के एक घंटे के बाद हमें चाय की बहुत तलब हो रही थी तो जोया ने कहा यार पिंक टी बना लो तो मैंने कहा चलो ठीक है वो बना लेती हूँ और यहाँ पे मैं जो पत्ती यूज़ कर रही हूँ ये गुलबहार टिपाल की चाय होती है इससे बन जाती है ग्रीन टी सॉरी कश्मीरी चाय बन जाती है पिंक टी बन जाती है कन्फ्यूज़ हो रहे हैं ग्रीन और पिंक कन्फ्यूज़ हो रहे हैं अच्छा इसकी रेसिपी मेरे चैनल पर मौजूद है और ये जो पिंक टी है इसमें मैंने थोड़ा सा कलर ऐड किया था क्योंकि मेरी जो चाय पत्ती थी वो काफ़ी पुरानी थी और वो मतलब आप कह लें पिछले साल की रखी थी एक साल पुरानी थी तकरीबन तो उसका कलर निकल के नहीं आया था अच्छे से और वैसे भी आप ये कश्मीरी चाय जो ओरिजिनल बनाते हैं तो उसका लाइट आप कह लें टी पिंक कलर का कलर आता है इस तरह का पिंक कलर नहीं आता निकल के बहुत कम होता है जो इस तरह का आ जाता है बहुत प्रैक्टिस के बाद ही आता है तो बस यहाँ पर मैंने अपने लिए चाय बना ली थी तो ये देखिए हमारी बहुत मज़ेदार सी कश्मीरी चाय रेडी है पिंक पिंक सी हमारी चाय रेडी है भाई अब हम इसको पियेंगे और इन्जॉय करेंगे तो भाई हम पीते हैं अपनी चाय जो हमने तैयार की है और रात हो गई चाय है तो चेंज करेंगे जाके उसके बाद चाय पियेंगे थोड़ा रिलैक्स करेंगे थक चुके हैं सुकून से पियेंगे अपनी कश्मीरी चाय और फिर उसके बाद सो जाएंगे क्योंकि बहुत ज्यादा थक गए हैं आप लोगों को भी पता ही चल रहा होगा हालत से पता चल रहा होगा कि हम बहुत ज्यादा थक चुके हैं तो यहाँ पे करते हैं अपने व्लॉग को एंड आप लोगों ने बताना है कि आज का व्लॉग आप लोगों ने एंजॉय किया कि नहीं किया और कैसा लगा आपको व्लॉग और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें साथ साथ बेल आइकन को क्लिक करना नहीं भूलेगा हम दोनों को अपनी दुआ में याद रखिएगा थैंक यू फॉर वॉचिंग अल्लाह हाफिज़